Freelancer is the one who is self-employed who works from the comfort of couch at home wearing the dress they want and they are only answerable to the employers they work with on a freelance marketplace. Those are 2014 statistics ke Ameriki 54 million freelancing karte Does that sound like an alarm to you? The world is changing. The concept of working nine to five is quickly changing because of the dynamics of jobs. लोग अपने टाइम और स्पेस में काम करना चाहते हैं मैंने भी यही शोभा इसी लिए चूज किया था कि मैं बंदिशों से आजाद वो काम करूँ जो मुझे एक्साइट करता है और अपने तरीके से अपने आप को आंसरेबल हूं और पैसे भी कमाऊं इन चौवन मिलियन फ्रीलांसर्स जो कि सिर्फ अमेरिका का स्टैट्स है गूगल कीजिए तो आपको ये स्टैट्स वैसे भी नजर आ जाता है ये फ्री लांस खौती खाली डिजिटल फ्री नहीं है यानी कि डिजिटल फ्रीलांसिंग तो अभी हम बात कर रहे हैं जिनमें ये स्किल्स हैं वेब डेवलपमेंट ग्राफिक डिजाइनिंग क्रिएटिव राइटिंग ई कॉमर्स सो एंड सो फोर्थ ये वो फ्रीलांसर्स हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं और ऑफलाइन भी काम करते हैं यानी कि इनका डिजिटल स्पेस से कोई खास ताल्लुक नहीं है इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है कोई कारपेंटर हो सकता है कोई मेसन हो सकता है कोई ट्रक डिलीवरी वाला अमेरिका में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग जिसके बारे में मैं आगे सरसरी सी बात करूँगा वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सो फिफ्टी मिलियन अगर फ्री खाली अमरीका में है विच इज़ दी हब ऑफ आउटसोर्सिंग यानी कि वो लोग पूरी दुनिया में काम आगे आउटसोर्स करते हैं मिसाल के तौर पे अगर मैं अमेरिका में रहता हूं और अगर मुझे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला ग्राफिक डिजाइनिंग का भाई मैं अकेले तो नहीं कर सकता एज अ कॉन्ट्रैक्टर एज अ फ्री तो मैं क्या करता हूं कि मैं फ्री लांस मार्केट प्लेस पर जाऊंगा अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करूंगा और आप जैसे होने हर फ्री को उनकी प्रोफाइल और बाकी चीजें देखने के बाद मैं वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड करूंगा और अगर आपने काम खुशलूबी से दियानतदारी से से हार्डवर्क करके क्रिएटिविटी शो करके फिनिश किया तो मैं आपको आपका काम करने के पैसे दे दूंगा दिस इज वट द फ्री लैंसिंग सो आउट ऑफ दीस फिफ्टी फोर मिलियन फ्री यू कैन ग्रैब अ पीस ऑफ पाई यूर शेयर बाय ऑफरिंग योर सर्विस एज अ फ्रीलैंसर इन अ फ्रीलैंस मार्केट ये इतना जरूरी है कि इस मार्केट को कैपिटलाइज करने में आपका रोल पाकिस्तान को फोर्थ नंबर जो कि स्टैट्स में दोबारा आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ उससे उठा के पहले नंबर पे लेके जा सकता है अगर आप अपना पार्ट प्ले कीजिए मैं ये भी नहीं कहता कि जनाब आप अपने सारा कारोबार काम छोड़ के नौकरी और मुलाजमत को एक रात में रेजिग्नेशन देके सिर्फ फ्रीलांसिंग कीजिए नहीं हरगिज मेरी टीचिंग में ये फैक्टर आपको नहीं मिलेगा मैं ये चाहता हूं कि आप अपना आज इतना हार्डवर्क करके गुजारें कि कल आपको अपनी डे जॉब क्विट करने पड़े यानी कि आप सुबह काम कीजिए शाम के वक्त फ्रीलांसिंग कीजिए मैंने अपनी जिंदगी के तीन साल ऐसे गुजारे हैं वेन आई क्विट माई जॉब फ्रीलैंसिंग एज वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनमिना यह फिनमिना का मैंने वर्ड इसलिए यूज किया के अब आने वाले वक्त में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जैकमा ऑफ अली बाबा इन द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स पीपल विल ओनली वर्क फॉर आवर्स अ डे इन मोस्ट ऑफ दम विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड यह कोर्ट आपके सामने पड़ा हुआ जैकमा का सो so, आज सवार लीजिए मेहनत कर लीजिए हार्ड वर्क कर लीजिए स्टार्ट डूइंग फ्री जरूरी नहीं कि आप अपनी जॉब कट कीजिए शाम के वक्त आप दफ्तर से आने के बाद फ्रीलैंसिंग की कोई स्किल्स सीखिए स्किल्स हम आपको इस प्लेटफॉर्म में सिखा रहे हैं इन रोल इन टू दैट प्रोग्राम मैस्टर दैट स्किल डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड वंस यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू विल बिकम एक्सपर्ट एंड देन ऑफर दैट पर्टिकुलर स्किल एज अ फ्री लैंसर This is how you can not just empower yourself, but you can, inshallah, empower Pakistan as well.